राज्य के तमाम सुनने वालों को मुकम्मल घर में कहती हूँ खुशामदी। पाकिस्तान के होटल ब्लास्ट में इंडियन गवर्नमेंट की कोई भी एजेंसी इन्वॉल्व नहीं। 20 साल से इंडिया मोस्ट वांटेड टेररिस्ट कराची को अपना ससुराल बना के बार बार हम पे वार किए जा रहा था। बस अब और नहीं, वक्त आ गया था उस मिशन का जिसके लिए वली खान ने कराची में 9 साल गुजार दिए थे। मेरा यकीन कीजिए सर, टारगेट को बिल्कुल शक नहीं है। ये हमारे पास आखिरी मौका है, इसके बाद हमको मौका नहीं मिलेगा। मेरा ख्वाब है कि उसको जिंदा इस मुल्क से खींच के लेके जाऊं और हिंदुस्तान के हवाले करूं। दुनिया मुझे टेररिस्ट समझती है जनाब, मैं तो बिजनेस करता हूं। टीम 7 दिन में पहुंचेगी। तुम लोगों के साथ मैं लोगों को सुलाता हूं। प्रोफेशनल किलिंग है सर, कराची में आपका मिशन एक्टिवेट तो नहीं हुआ है? कोई भी मिशन मेरा या तुम्हारा नहीं, देश का होता है। मुंबई के टेरर अटैक्स कराची की ओर इशारा करते हैं, जहां हमारा मोस्ट वांटेड मैन छुपा हुआ है। होने का हर निशान, क्यों भूली इन क्या नाम था उसका? दूजान। कबीरो मेरी जान, आपको लेने आएंगे ना? बिल्कुल लेने आएंगे। चुप! जिंदा लाने की जरूरत नहीं, मुर्दे भी चलेंगे। मार पुलिस को। अरे ऐसा मौका नहीं मिलेगा। शूट हिम। 10 साले लाओ। फिर शाले को। फायर। ट्रिगर खींच, मामला मत खींच। खींच गया ना तो बहुत तकलीफ दूंगा।